नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टेक्नो स्पार्क 70 वर्सेस पोको C31 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो स्पार्क 70 में 6.49 इंच जबकि C31 में 6.49 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। विड्थ की बात करें तो स्पार्क 70 में 2.99 इंच जबकि C31 में 3.04 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो स्पार्क 70 में 0.37 इंच जबकि C31 में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो स्पार्क 70 में 205 ग्राम जबकि C31 में 194 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो स्पार्क 70 में 6.52 इंचेस जबकि C31 में 6.53 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो स्पार्क 70 में 81.94% जबकि C31 में 80.97% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो दोनों फोन में सेम ही 269 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो स्पार्क 70 में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, सेकंड कैमरा और आखिर में AI लेंस देखने को मिलता है। और C31 की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो स्पार्क 70 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और C31 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले बात करें CPU की तो दोनों फोन में सेम ही 12 नैनोमीटर है। GPU दोनों फोन में सेम ही पावर GE8320 देखने को मिलता है। चिपसेट दोनों फोन में सेम ही MediaTek Helio G35 मिलता है। बात करें RAM की तो स्पार्क 70 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4 GB की RAM मिलती है, जबकि C31 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 3 GB 4 GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो स्पार्क 70 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64 GB 128 GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि C31 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 32 GB 64 GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो स्पार्क 70 में अप टू 256 GB जबकि C31 में अप टू 512 GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो स्पार्क 70 में एंड्रॉइड V11 जबकि C31 में एंड्रॉइड V10Q देखने को मिलती है। बैटरी स्पार्क 70 में 6000 mAh जबकि C31 में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो स्पार्क 70 में 3 कलर्स जबकि C31 में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो स्पार्क 70 में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं,
जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ ₹9,099, 4 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ ₹10,599 में मिल जाता है। वही अगर बात करें C31 की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 3 GB रैम 32 GB स्टोरेज के साथ ₹8,499, 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ ₹8,999 में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो टेक्नो स्पार्क 70 में 5 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें पोको C31 की तो उसमें 4 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में स्पार्क 70 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी F12 है, दूसरा इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले है, तीसरा रियलमी नाजो 30A है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें टेक्नो स्पार्क 7 प्रो है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना।